डीपीआर के टेंडर लग चुके हैं, टेंडर जैसे ही पास होंगे तो डीपीआर बनाने वाले लोग हमारे नगर में आएंगे और उसको डीपीआर पूरे ड्रेनेज सिस्टम का डीपीआर नगर का बनाएंगे, जिससे सिंगरी का उत्थान भी होगा और नगर में जो समस्या जल भरने की आती है उससे उसका निदान हो जाएगा। सारे नगर के लोग जल भराव से मुक्त हो जाएंगे, ऐसी मंशा हमारे विधायक हमारे मुख्यमंत्री जी की है और ये शीघ्र गति चालू होगा। कोई सिर्फ व्यापार रोजगार से संबंधित तो कहीं 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 नाले वगैरह बनने हैं, नाले बड़े नाले, जैसे हमारे यहाँ सिंगरी की नदी, सिंगरी नदी में गंदगी पूरे नगर की जाती है, उसके लिए 42 करोड़ की राशि उसमें स्वीकृत हुई है सफाई के, उसके स्वच्छता के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनने के लिए। किसी प्रकार से हम लोग खुद ही देख रहे हैं, नगर में जाने के बाद ऐसा कोई जनता कोई ऐसी बात नहीं करती, मगर हम लोग जाकर उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास ही बनने, 2.5 लाख रुपये की राखी फ्री प्रधानमंत्री आवास बनने, उससे ज़्यादा अगर किसी को बड़ा मकान बनाना तो उसको 6 लाख रुपये राशि तक का उसको लोन मिलने वाला। ये सब समस्या हम लोग जाके जनता से पूछ रहे हैं, जनता की कोई समस्या नहीं, जनता नहीं।